even Yumna's office, camera is basically in one position, but somehow you're not missing it. Ifra जब उसे कहती है कि तुम commissioner हो, वो तुमसे इसलिए मोहब्बत करती है, अगर तुम गुंडे होते या चोर होते, मुझे नहीं समझ आई ना. पहले से ही पता होता कि ये गुंडा और वो है चोर है, तो ऑफ कोर्स शी वुडंट लाइक. जब पुलिस वाला आके कहता है कि चलो अदालत में, अदालत से व्हाई डू दे टेक देम टू द कमिश्नर्स रूम, आई डोंट अंडरस्टैंड. पर वो तो उस जेल में कह रहा है कि तुम यू नो लेट्स गो टू कोर्ट, वहां तुम्हारा जो भी होगा एंड ऑल दैट, एंड देन सडनली यू एंड अप इन द कमिश्नर्स ऑफिस, व्हिच आई कुडंट अंडरस्टैंड. बार सीन्स में रेपिटिशन थोड़ी सी लग रही थी, जैसे फारस और मिफ्रा के सीन्स थे. आई फील दैट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड with what that relationship is. But at the same time, entertaining as hell. The issues that I have, a couple, which is ek to Faris and Mifra one, and also the, मुझे अभी तक वो हजम नहीं हो रहा कि ये लड़की जो इतनी cautious है, जो इतना anti गुंडा है, जो इतना वो है, वो क्यों इतना fight कर रही है इसके लिए. And I think अगर इसकी fight इन एपिसोड्स के बाद शुरू होती ना द एक्चुअल फाइट, देन आई थिंक इट वुड बीन, बिकॉज वो FIR कटना, ज़मीन पे बैठना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. उसको पता है किसी फजूल वजह से उसको अंदर बंद कर दिया था. सो आई फेल्ट दैट हर थिंकिंग अबाउट हिम, येस कि ही वॉज नॉट द सेम पर्सन दैट आई स्लैप्ड, वो बात सही है, बट टू फाइट फॉर हिम आई थिंक वॉज कमिंग अ लिटल टू सून. वो मुझे लग रहा था कि बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही cautious person है, but overall she said ना, not defending, but she said ना कि जैसे तुम चार साल से इस field में हो, तुम लोगों को देख के समझ जाते हो, मैं भी चार साल से. I know, but she is not an Ajumi, and she said it before. No, also. She said I know. She said it before. I just feel that the kind of person they showed, meaning उसकी जो बुरे आदमियों की hatred जो दिखाई है ना, and to suddenly एक दिन के बाद आपने decide कर दिया कि नहीं ये आदमी बुरा नहीं है. I feel that needs to be more convincing to her, not to us maybe, because हम तो as वो देख रहे हैं, लेकिन एक दो चीज़ें होती बीच में जिसकी वजह से, one of them was the interview. She's saying, you know, I'm not saying the scenes should have changed, I'm not, but I think the language could have been a little more easy. A little more questioning, a little more whereas everyone is trying to convince her, okay, no, he is a bad man, he is a bad man. I just feel that part to me, again. Please understood. It is for me. I would have started her fight for him after this whole debacle of putting him in prison, after, because they usko wahan se liya hai na, uske interview ke baad se liya hai na, and then there was no, aapne kyun usko prison mein dala, there was no case against him, aur phir aapne zameen pe, which was also another crazy scene, FIR aapne katwai ke wo zameen pe nahi baithe. To ye cheeze jab hoti hai, fir aap kehte kya kar rahe ho tum, you know, what kind of a commissioner are you, what kind of a man are you, गोरे राज कर रहे, वहाँ पे शायद जमीन पे ऐसे बिठा दूंगे, नहीं अगर चले, FIR भी कटती होगी ऐसे, लेकिन मेरा 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 कहने का मकसद ये है कि उसकी उसकी फीलिंग, और उस पे FIR थोड़ी कट जाती है, लॉ है पाकिस्तान ऐसे ही बिठाते हैं, ऐसे नहीं, वो तो है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो उन्होंने पॉइंट लिया है, जिस तरह से उन्होंने दिखाया, वो होता है कि बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत सेंसिटिव इशू है कि वहां पर बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह, जिस पे ज़रनब भी कहती है कि 80% लोग तो बेकसूर होते हैं. वो बहुत अच्छा टॉपिक था जिसको लिया था, लेकिन जो सिचुएशन दिखाई थी, उस सिचुएशन को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था कि आप ऐसे, क्योंकि आपने एक तीन बड़े वो उठाए हैं, तीन एक रहमती उठाया था, मुन्ना उठाया था, और वो जो साकिब समीर करेक्टर है, आप नॉन गुंडे लेके आए हैं, और उस पर फिर आप ये नहीं करते कि आप तुम जमीन पर बैठो, मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा. ये तो बहुत एक अंग्रेजों वाली सोच थी कि आप इसमें तो एक बड़ा डिफरेंस होता है, एक बड़ा लिखा CSS ऑफिसर है, वो उसको पता है कैसे बात करनी है, क्या है, वो ये नहीं कहता कि आके जमीन पर बैठो, बिकॉज मैंने इनके बहुत गया वो इनके ऑफिस में ऐसा. हाँ, एक SHO लेवल डेफिनेटली करता होगा कि बैठ जाओ यहाँ पे और ये करो, बदतमीजी करते हैं, थाना कल्चर, थाना कल्चर, ये थाना था ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ द मैन, वो तो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. बट ऑन अनदर लेवल वो लड़की जो उसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, अब इसको इंपॉर्टेंस दे रही है ना, तो वो और ज्यादा उसको डिमीन करता है. वो बात वो भी एक एंगल है, वो एक एंगल है, वो एक एंगल है. सो दैट दोज आर वन और टू थिंग्स, अदरवाइज यू नो इट्स अ प्लेजर टू वॉच. तो क्या आपके पास इमोजी? मेरा तो टू थम्स अप फॉर श्योर. चलिए, टू थम्स अप जेंटलमैन के लिए. इनसाइट ऑफ फिलोसफीज एंड ऑफ मुल्क के हालात जो हमें पता है, लेकिन इट ऑलवेज जब आप किसी ड्रामे में देखते हैं या किसी सिचुएशन के साथ देखते हैं और उसके साथ अटैच्ड होती हैं सर्टेन लाइंस, तो आपको अच्छा लगता है.
मेरे लिए जो दो लाइनें मुझे बहुत अच्छी और बहुत रेलिवेंट लगी, बिकॉज हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते अपने मुल्क के लिए. एक तो वो कहती है उसको कि अच्छे आदमी की वजह से हमारा मुल्क चलता है, व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू फारिस, बिकॉज शी सेइंग ही इज़ एन अच्छा आदमी. आई थिंक दैट इज़ सो रेलिवेंट, बिकॉज अगर आप मुल्क को देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स नहीं है अच्छे वाले, एवरीथिंग इज़ ऑन अ प्राइवेट थिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन अ पर्सनल थिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन अ चैरिटेबल थिंग, एंड इट्स ऑल पर्सनल थिंग्स दैट रन ए. फिर दूसरी बात, जब बाप के साथ वही वाला सीन, जब व्हेन शी इज़ टॉकिंग अबाउट, जब बाप कहता है ना कि इतने 75 ईयर ओल्ड मुल्क को, बिगड़े हुए कौम को तुम एक दिन में तो ठीक नहीं कर सकती. अगेन अ लॉट ऑफ लॉजिक, यू नो, वो जज्बाती और यहाँ से आपको लॉजिक मिल रहा है. और बाप फिर कहता है कि हमारे लिए यही बहुत है कि हम अपने हिस्से का अच्छा काम करके चले जाएं, बिकॉज आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, द सिस्टम इज सो मच बिगर देन अस. सो दीज लाइन्स आई एंजॉयड देम, बट एट द सेम टाइम मिफ्रा जब उसे कहती है कि तुम कमिश्नर हो, वो तुमसे इसलिए मोहब्बत करती है, अगर तुम गुंडे होते या चोर होते, मुझे नहीं समझ आई. अगर तुम गुंडे, अगर इसको मिफ्रा को पहले से ही पता, व्हाट्स हर नेम, ज़रनाब, पहले से ही पता होता कि ये गुंडा और वो है, चोर है, तो ऑफ कोर्स शी वुडंट लाइक यू, है ना. फिर उसने कहा क्या इसके बाद वाली लाइन? नो, आई नो, बट आई जस्ट फील दैट द फ्रेजिंग वाज रॉन्ग. आई जस्ट फील दैट द होल सेंट, बिकॉज द क्वेश्चन इज के शी लाइक्स यू बिकॉज यू आर अ कमिश्नर, इफ यू वर दिस, अगर आगे जाके तुम ये बन जाओगे, क्या वो फिर भी तुमसे मोहब्बत करेगी, इज द क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड. बट अगर आप पहले से ही पूछो कि अगर तुम ये होते ही होते, वुड शी लाइक यू? ऑफ कोर्स नॉट. मेरा भी यही था कि ऑफ कोर्स नॉट, ये मोहब्बत नहीं. लेकिन उसमें मिफ्रा ये कहना चाह रही थी कि तुम गुंडे हो, मर्डरर हो, ये हो, मैं तब भी तुमसे इश्क करती, ये तब भी मोहब्बत करती, मतलब ये था. एंड शी इज आल्सो सेइंग, हां, वो करेगी, वो कहेगी आई डोंट केयर तुम कमिश्नर हो, चोर हो. आई एग्री विद यू एंड आई नो व्हाट शी इज आल्सो सेइंग. शी इज सेइंग दैट इज व्हाट यू आर बिकॉज़ ही इज अ करप्ट मैन एंड आगे जाके और करप्शन करेगा और आगे जाके जो भी 28 लाख का प्लॉट 1 करोड़ का हुआ है. आई जस्ट फेल्ट दी फ्रेजिंग ऑफ दैट सेंटेंस. आई नो एग्जैक्टली वेयर शी टुक द कन्वर्सेशन, बट आई जस्ट फील दैट क्वेश्चन, आई थिंक इनिशियली मुझे थोड़ा सा लग. फिर जब पुलिस वाला आके कहता है कि चलो अदालत में, अदालत से व्हाई डू दे टेक देम टू द कमिश्नर्स रूम, आई डोंट अंडरस्टैंड. पर वो तो उस जेल में कह रहे हैं कि तुम यू नो लेट्स गो टू कोर्ट, वहाँ तुम्हारा जो भी होगा एंड ऑल दैट. And then suddenly you end up in the commissioner's office, which I couldn't understand. The other thing is that he says, "Oh, I wish इसको SSP बना देते तो सारा मसला हल हो जाता है SSP. किसको? फारिस को, राजर एसी बनाने के, तब ये सारी उसकी उसमें आ जाता, पावर में आता और वो सही भी लगता है. Yeah. And then he says के मुन्ना को, जब वो conversation कर रहा होता है, मुन्ना उससे बात कर रहा होता है, तो कहता है किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए. मुन्ना ने कहा क्या कहते हैं, क्या मुन्ना बेवकूफ तो नहीं है, ही इज अ गुंडा, ही नोज व्हाट. नहीं, वांट टू आस्क लाख या करोड़? हां, ये पूछता. हां, यही उसे पूछा. हां, नहीं, किसने, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई कि क्या डीलिंग हो रही है. क्या मतलब क्या दिए? अभी तो उसने बताया कि उसने करोड़ की वो भेजी है जेल में उसे. सो आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट आल्सो. आई मीन, और इससे क्यों मिस हो गया? ऐसे तो किसी ने पैसे नहीं मांगे. उसने कहा आप लेट हो गए. लेट क्यों हुआ? नहीं, इसने इसी को था असल में अकेले. इससे उसकी खुन्नस है ना जाती, बिकॉज़ होगी पहले तो और भी बैठे हुए थे, then what I really enjoyed was the line when she says na that when a government doesn't or when people don't look after you, then it produces frustration in a country, and frustration ki wajah se do kism ke log paida hote hain, jo aap logon ne bhi pehle baat ki thi, shameless and gunde. Kehte shameless are the ones who sit on the floor, and the ones who don't sit on the floor are gundas. This I thought usne bookend bahut, because wahan usne puri situation batayi aur yahan usne prove kar liya ke वो बिकॉज वो बैठा नहीं तो वो गुंडा बन गया, और या जो लोग नहीं बैठ. आई थॉट दैट रियली रियली, और आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग. बट देन शी गोज एंड सेज, फोन पे कहती है, करता तो है वो गुंडागर्दी लेकिन क्रिमिनल नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अच्छा आदमी है, कह देती.
क्रिमिनल तो है, गुंडे का लफ्ज ही क्रिमिनल है भाई, ये जो करते हैं तो एब्सोल्यूट क्रिमिनल, एब्सोल्यूट दे आर क्रिमिनल्स, बट दूसरी बात है कि आपका नेचर चेंज हो गया, ही इज नॉट अ, ही मे नॉट बी अ क्रिमिनल हु विल प्रोबेबली, रेमती विल गेट लाइफ एंड ही विल प्रोबेबली गेट 3 इयर्स, but he's still a criminal. So these are only the things. Otherwise, obviously, I love the insight of politics and the way countries are run and how of course he's. और मेरे ये भी ख्याल है कि अगर हम because it's a drama तो अगर हम metaphorically चीजों को दें तो उन्हें दिखाया है कि जो अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम में अभी तक जो एक सरिया हमारे officers में होता है, बिल्कुल है, और जमीन पे बिठाना लाजमी नहीं कि वो बिल्कुल actual जमीन पे बिठाया गया, actual वो जिस तरह से treat कर रहे हैं. राइटर ये भी दिखाना चाहता है कि ना कि एक्चुअल ट्रीट तो ऐसे ही करते हैं ना कि वो उनकी इतने इज्जत है ना उसको मजरूह कर देते हैं, द काइंड ऑफ लैंग्वेज ये ऑफिसर्स यूज करते हैं आम आदमी के साथ वो इतनी भयानक होती है कि आप हॉन्ट हो जाते हो कि आप किस तरह बात कर रहे हैं किसी के साथ, उसकी इज्जत नफ्स को इतना मजरूह कर रहे हैं. तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? आई'ड से 7.5. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए राइटिंग कैटेगरी में, और खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से आए हैं 2,300, 23% बनते हैं, 2.3 मिलियन, नॉट बैड. ये तो बहुत कोई इवन डिवीजन, इवन डिवीजन हुआ इस दफा, होने वाली है तो मुकाबला सख्त है. खलील 2,000 आउट ऑफ 10,000 में से 2,300 मिले हैं. देखिए, अ राइटर इज नथिंग विदाउट अ गुड डायरेक्टर एंड अ डायरेक्टर इज नथिंग विदाउट अ गुड स्क्रिप्ट, और दिस इज as we said before, a match made in heaven. Match made in heaven. I think both complementing each other to do justice to the kind of lines that we are listening to. Some of them we're not even understanding because Urdu hamare sar se guzar jati hai. Lekin then comes obviously the third party, which are the actors who are performing these lines so beautifully, with the help of I think good direction. Absolutely. I think it's a joy to have Haisam back on the screen. I hope aap ghaib nahi honge dobara. Aur jo bhi Haisam ki vision thi is play ke bare mein, I don't know whether the writer wrote it with that vision or whether that was Haisam's vision. You know, this whole edgy, slightly stylized kind of. You see it in the light. You see it in the. I mean, even if you look at. क्या कहते हैं the whole drama, जो इतना उसका एक फ्लो है, लेकिन एक्चुअली हम लोग तीन सेट्स, मेन सेट्स के साथ काम कर रहे हैं. आउटडोर इतना नहीं है इसमें, और अगर आउटडोर है तो वो गाड़ी का है, वो भी हमें पता है कि इट्स अ थिंग, बट दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन. एंड इवन युमनाज ऑफिस, द कैमरा इज बेसिकली इन वन पोजिशन, बट समहाउ यू आर नॉट मिसिंग इट. यू आइदर इट्स just good performances bhi bahut everything I everything. think, like I said, to bring a good script to life, I think is what Haisam is doing. He's brought a good script, he's aur bilkul different screen hai gentleman ki screen, Pakistan ke jisse drama chal rahe hain unse bilkul hatke hai. Music again, music is another thing which is so different. It's got an edgy tone to it, the whole thing has got this edgy tone to it, but the scene jo Adnan, or which we've all talked about, Adnan and the father's scene, that was just too good. I think that was the highlight of both the episodes. Little things, aapki eyes kahan ja rahi hain, wo dekh rahe hain, koi aaya aapne udhar dekha, you know, you straight away can tell what anyone is thinking or doing with, and he's not missing anything. So for me, I would say, because my other play is the favorite, so I'll say 8.5. Still very good numbers. Okay, जी, अब बात कर ली जाए ऑडियंस की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,500 हुए हैं, और हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं 2,995, 29% बनते हैं, 2.9. Almost 3,000. Very good. पूरे कैरेक्टर को इतना नेचुरली प्ले करना, that is what I'm really enjoying about her performance. कि कहीं भी आपको लग नहीं रहा कि ये acting कर रही है या over कर रही है या under कर रही है. हर emotion को अपने character के साथ लेके जा रही है. She's not making us believe that
उसने एक सीन के बारे में बड़ा सोचा और उसने कहा कि मैं इसको ऐसे करूंगी या मैं ऐसे करूंगी. इट लुक्स लाइक इट्स जस्ट नेचुरली कमिंग आउट ऑफ हर. फ्लो बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एवरी सीन दैट शी इज डूइंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग अबाउट हर नॉट हर गेटिंग इंटरेस्टेड इन मुन्ना लिटिल टू अर्ली, बट दैट स्क्रिप्ट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद हर. बट आई थिंक शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. सो आई वुड से फॉर श्योर एन 8. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 11,600 हुए और यमुना जैदी के हिस्से में आए 3,436, 31% बनते हैं, 3.1 मिले हैं. फॉर मी बोथ एक्टर्स वर एट पार इन दिस सीन. अदनान का डेफिनेटली एपिसोड था, खालिद अनम का जो एक कंपोजर था, उसको पता था कि ये आदमी मैं जानता नहीं हूँ लेकिन देयर समथिंग टेढ़ा अबाउट दिस मैन, लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी. But his composure while he was talking and Rehmati's awkwardness, वो एक awkward, shy, उसको भी नहीं समझ आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ. तो he starts with भरम कि मैं ये हूँ. But for me, अगर मैं वो एक loves पे जब वो कहता है कि आपने कहा तो मैंने कहा आप गुंडे, तो गुंडे हैं आप कहते हैं जी. वो जो उसने जी कहा है, दैट एक्सप्रेशन, डॉलर, ओ माय गॉड, आई थिंक आई सॉ इट 10 टाइम्स. आई जस्ट केप्ट ऑन बिकॉज़ आई सेड व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू से दैट, वाज इट रिहर्स्ड, वाज इट, दैट जी फॉर मी वाज अ नाइट. आई थिंक ही इज लिविंग द कैरेक्टर, ब्रिलियंट, ही इज एक्चुअली लिविंग द कैरेक्टर. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और हुमायूं सईद / अदनान सिद्दीकी साहब के हिस्से में 2,828 बनते हैं, 2.8. वेरी लवली.